जरा वही क्वेश्चन है उसका ट्राई दी वो केस स्टडी में फर्स्ट पार्ट है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 36 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 36 36 के प्राइम फैक्टर्स कर रहे हैं जो इनकी पावर्स आएंगी ना उनका प्रोडक्ट फाइंड करो के फैक्टर्स कर लो क्या आएंगे 4 मतलब क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इसकी पावर का प्रोडक्ट निकालना है क्या आएगा आंसर 4 उसके बाद वही वाला क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स दैट यू विल एक्वायर फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी सो दैट बुक्स कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ठीक है एलसीएम फाइंड कर लोगे दैट इज 288 नेक्स्ट है इफ 288 बुक्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द सेक्शन बी हाउ मेनी बुक ईच स्टूडेंट विल गेट सेक्शन बी के स्टूडेंट्स में 288 बुक्स को इक्वली डिवाइड कर दे तो कितनी बुक्स मिलेगी हर स्टूडेंट को सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट थे सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट थे डिवाइड कर दो कितनी बुक्स मिलेंगी मतलब देखा जाए तो आपने अलग अलग बताना है इसका मतलब ये है पहले सेक्शन ए में भी निकाल सकते हो बी में भी बी का पूछ रहा है आपसे कितनी बुक्स मिलेंगी 8 बुक्स ईच स्टूडेंट विल गेट 8 बुक्स ठीक है लिखो इक्वेशन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 720 एंड 18 फाइंड द एचसीएफ ऑफ 720 एंड 18 720 एंड 18 एचसीएफ निकालो कितना आ रहा है 18 आ रहा है अब 18 को लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन आपको सिलेबस में डबल वाला नहीं है लेकिन सिंगल वाला है ठीक है मतलब जैसे आपने एचसीएफ निकाला 18 आ गया 18 इज इक्वल टू 18 एन प्लस 720 ऐसे या 720 एन प्लस 18 ऐसे करके मतलब ये फाइंड करना होगा अभी तो फिलहाल जीरो आ रहा है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पर ये क्वेश्चन इस तरह का सिंगल वाला आ सकता है आपको कल मुझे किसी ने दिखाया भी था शायद आपने दिखाया था सिंगल वाला हाँ लायो दिखाओ ये कर लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 85 एंड 153 If the HCF of these two numbers is expressed as 85n minus 153, minus आना चाहिए था बीच में, ठीक है? ये समझ आई? If the HCF of these two numbers is expressed as this term, find n. कहते हैं इन दोनों का पहले HCF निकाल लो, जो आएगा उसको equal to HCF, इसके साथ equate कर लेना, n आ जाएगा. ये find कर लो. ये single variable का question है. पहले एचसीएफ फाइंड कर लो दोनों नंबर्स का 85 और 153 का एचसीएफ फाइंड कर लो
हाँ जी क्या आ रहा है? HCF आ गया 17, 17 यहाँ पुट कर दो, 17 इज इक्वल टू 85 एंड -153, -153 व्हेन यू शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड इट विल बिकम 170 इज इक्वल टू 85 एंड एन इज इक्वल टू 2, डबल हो जाएगा ना, 170 डबल 85 का, तो एन आ गया 2। ये सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये आ जाता है। क्या हुआ, HCF नहीं आ रहा? वो डबल वेरिएबल वाला लीनियर कॉम्बिनेशन वही डिलीट हुआ है ना, तभी सिंगल। हाँ जी तभी सिंगल, आपको सिलेबस सेंड किया था ना जो पीडीएफ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एक-एक चैप्टर का नेम लिखे, जो जो डिलीटेड है वो लिखा हुआ है, वो नहीं करना, जो लिखा है मतलब वो करना है, जो बाकी रह गया वो नहीं करना, ठीक है? अच्छा ये देखो इधर ये क्वेश्चन, हाँ एलसीएम निकालना है किसका, कहता है द लीस्ट नंबर। अब सुनो इधर, आपको ये बता दें कि जो नंबर, जैसे सपोज करो कोई 2 नंबर दे रखे हैं या कोई 3 नंबर दे रखे हैं, जो नंबर इनको डिवाइड करता है वो एचसीएफ होता है हमेशा, और जो इन तीनों से डिवाइड होता है, डिवाइड होने का मतलब है इनसे बड़ा होगा तभी वो इन तीनों से डिवाइड होता है, तो वो हमेशा एलसीएम होता है। अब यहाँ स्टेटमेंट पढ़ो, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दीज 1 to 10, कहता है ऐसा नंबर फाइंड करो जो 1 से लेके 10 तक सबसे डिविजिबल है, इसका मतलब इनसे बड़ा होगा तभी डिवाइड हो रहा है, सब 1 से भी 2 से भी 10 तक सबसे डिवाइड हो रहा है, और लिखा है बोथ इंक्लूसिव का मतलब है 1 और 10 दोनों इंक्लूड होने, तो इसका मतलब आपने क्या फाइंड करना है इनका, एलसीएम। और अगर यहाँ लिखा होता विच डिवाइड्स तो एचसीएम, ठीक है? और ऑब्वियसली जब ज्यादा नंबर है तो एलसीएम ही आएगा, इतने सारे का एचसीएफ कैसे निकालोगे, ठीक है? तो जो डिवाइड करता है वो एचसीएफ होता है, और जो डिवाइड होता है सबसे वो एलसीएम होता है हमेशा, तो इस वाली लैंग्वेज से डिविजिबल बाय लिखा है तो आपने एलसीएम, डिवाइड्स लिखा है तो एचसीएफ, ठीक है? फाइंड कर लो इसका आंसर, एलसीएम फाइंड कर लो। टू 5 2 0, अब जैसे ये देखो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनो, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125, एचसीएफ, ठीक है? जो डिवाइड करता है एचसीएफ, डिविजिबल बाय है तो एलसीएम। अच्छा आप सुनो नेक्स्ट, पॉलिनोमियल चैप्टर में सबसे पहले जो पॉलिनोमियल्स हैं, आपका लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, कितने बड़े मेथड से कर रहे हो, इससे बेटर तो ऐसे करना चाहिए था, 2 2 का फैक्टर 2 ही आ गया, 3 भी प्राइम है, 3 5 भी सेम, 6 का हो गया 2 3 जा, 7 का 7 ही आ गया, 8 का 2 क्यूब, 9 का 3 स्क्वायर और 10 का 2 5 जा 10, इसमें कर लो 2 एक बार है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कितना है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 आएगा, 3 3 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर आएगा, 5 और 5 यहां पर है, और 7 रहता है, 7 आएगा, ठीक है? बस मल्टीप्लाई कर लो, आप बहुत बड़े मेथड से कर रहे हो, टाइम वेस्ट होता है इससे, ठीक है? हाँ जी, पॉलिनोमियल में जो है डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, सबसे पहले आपके पास
सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसको पॉलिनोमियल का नेम दे दिया पी एक्स, पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया टू एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल है ना क्योंकि एक्स स्क्वायर है, अगर इक्वल टू जीरो लग जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा। जब इक्वालिटी का साइन नहीं है, सिंगल टर्म है इस तरह से स्क्वायर में, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव लिखे तब भी पॉलिनोमियल है, सिर्फ टू एक्स स्क्वायर लिखे तब भी पॉलिनोमियल है, टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव लिखे तब भी पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। अगर सिंपल लिख दें तो सिंपल लिख दें इस तरह से, ये कौन से टाइप का है? लीनियर। और पावर थ्री लिख दें तो क्यूबिक, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक होती है उसकी मैक्सिमम टू जीरोस होती हैं, उससे कम भी हो सकती हैं। जैसे इसको इक्वल टू जीरो कर दो, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए उसको इक्वल टू जीरो इक्वेट करते हैं, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। वैसे क्वाड्रेटिक है, दो जीरो आनी चाहिए, लेकिन अभी एक आ रही है क्योंकि दोनों क्या होंगी? रिपीट होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक के केस में मैक्सिमम टू जीरो आनी है, एटमोस्ट टू जीरो आनी है, उससे कम आ सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकती। एक जीरो आ सकती है, रिपीट हो सकती है, मैक्सिमम टू आएंगी, उससे ज्यादा नहीं आएंगी। ऐसे ही क्यूबिक के केस में मैक्सिमम थ्री आएंगी, एटमोस्ट थ्री जीरो आएंगी, एटमोस्ट वर्ड आता है, ठीक है। मैक्सिमम थ्री या एटमोस्ट थ्री आ जाए, उससे कम हो सकती हैं, थ्री हो सकती हैं, थ्री से कम टू हो सकती हैं, वन हो सकती हैं, हो सकता है हो ही ना जीरो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन थ्री से ज्यादा नहीं हो सकती। और लीनियर के केस में पावर वन है, इसलिए मैक्सिमम वन जीरो आएगी। इसकी जीरो बता सकते हो क्या आएगी? माइनस फाइव बाय टू, माइनस फाइव बाय टू। जिसकी भी जीरो निकालते हैं उसको इक्वल टू जीरो इक्वेट करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, माइनस फाइव बाय टू इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, तीनों भी हो सकती है। जैसे एक्स क्यूब, उसकी तीनों जीरो 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 ही है, ठीक है। ऐसे बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो बुक में एनसीईआरटी में पहले इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है वो सारा रीड कर देना, उसके बीच में सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो रीड कर लेना, बीच में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपका जो ग्राफ वगैरह है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कोई ग्राफ बना होगा, उसमें जीरोस कितनी है ये बतानी है। लेकिन ग्राफ प्लॉट करना ना वो नहीं है, लीनियर का प्लॉट करना आता है आपको ग्राफ। इसका ग्राफ कौन से टाइप का बनेगा? इसका स्ट्रेट लाइन, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू पर लाइन बनेगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू दे रखा है ना, इसका मतलब क्या है? माइनस फाइव बाय टू का माइनस टू पॉइंट फाइव है, इसका मतलब अगर सिंगल सिंगल ग्राफ बनाना हो वन वेरिएबल का, तो नंबर लाइन बनेगी जीरो वन टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, यहाँ आएगा माइनस फाइव बाय टू। ये हो गया इसका वन वेरिएबल का ग्राफ। आप नाइन्थ क्लास में 2.4 जो लीनियर की एक्सरसाइज थी उसमें करके आए हो, लास्ट एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन थे कि इसको वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो, दैट इज ऑन द नंबर लाइन, टू वेरिएबल मींस कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करो। यहाँ माइनस वन है, माइनस टू माइनस थ्री, ये आ गया आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू का ग्राफ, दैट इज पैरल टू वाई एक्सिस। जब एक्स दिया होता है तो वाई के पैरल बनता है, जब वाई दिया होता है तो एक्स के पैरल बनता है। और इसी इक्वेशन को अगर टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बता सकते हो? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अगर इसे एक्सप्रेस करना हो टू वेरिएबल में तो वाई मिसिंग है, आ जाएगी टू एक्स प्लस जीरो वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ये बन गई जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर फॉर्म, ठीक है। तो ये होगी इसकी सिंगल वेरिएबल मतलब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, ये डबल वेरिएबल मतलब कार्टेशियन प्लेन पे। एक और बात, यहाँ तो सपोज एक्स दे रखा है तो आपने नंबर लाइन ऐसे बना दी, अगर वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू होता तब भी ऐसे ही बनता कि वर्टिकल बनता? नहीं बनता वर्टिकल, ऐसे ही बनता है, ठीक है। वाई का मतलब ये नहीं है कि वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई का मतलब ये है कि इस टाइम पे एक्स नहीं है, उसका नेम वाई है। सिंगल वेरिएबल मीन्स नंबर लाइन, क्योंकि जूनियर क्लासेस में जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन तो नंबर लाइन पे ही करते हैं, उनको एक्स और वाई तो पता ही नहीं होता कि क्या होता है, उनको ये पता है नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो सेम वे में यहाँ इस टाइम पे उसका नेम एक्स है या वाई है तो सिंगल वेरिएबल पे नंबर लाइन पे ही आएगा ना। अच्छा एक और बात,
जिस तरह से अभी आपको बताया कि उसका सिर्फ x और y उसका नेम है दिखाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ये देखो, अगर आपको यहाँ पे पी एक्स का ग्राफ दे रखा है इस तरह से, इसकी कितनी जीरोस हैं, ये पी एक्स का ग्राफ है, पॉलिनोमियल इन एक्स 3, और अगर ये पी वाई होता तो 1। पी एक्स का मतलब है पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रहा है 3, तो इसकी 3 जीरोस हैं। और अगर ये पॉलिनोमियल इन वाई है तो वाई एक्सिस पे एक जगह पे कट कर रहा है, तो इसकी 1 जीरो। अब एक और बात, अगर इस ये जो ग्राफ है इस टाइम पे ये दे रखा है px, लेकिन ये इसका नेम y है तो ये पॉलिनोमियल इन x ना, तो आपने x में ही चेक करना है कि कितनी जगह पे कट कर रहा है, y को देख के कंफ्यूज नहीं होना। px का नेम y है लेकिन है तो पॉलिनोमियल इन x ना, तो x एक्सिस चेक करना। अगर अगर यहाँ पर रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ पे py हो जाए, उसका पॉलिनोमियल इन उसका नेम x है, तो यहाँ पे क्या चेक करोगे कि y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ना इसमें दे नहीं रखा, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये बस आपने ये बताना है कितनी जगह पे कट करता है, कितनी जीरोस बन रही है, ये वाला देखो। अच्छा एक और बात, जो क्वाड्रेटिक होता है उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, पैराबोला। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, ये पैराबोला है, ठीक है। आप प्लॉट भी कर सकते हो डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन प्लॉट करना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आंसर बताना है बस आपने। अगर इसका नेम पी एक्स है तो कितनी प्लेस पे कट कर रहा है, 2 पे, और अगर ये पी वाई होता तो वाई एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। एक और बात, अगर ये ऐसे बन जाए कट नहीं कर रहा ना, इसका मतलब नो जीरो। पी एक्स है तब भी नो जीरो, मतलब है ही नहीं, पी वाई है तब भी नो जीरो, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा ना एक्स एक्सिस को ना वाई को, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, 4 ग्राफ दिए हूँ, इसमें से पूछे कि कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है, कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें जीरो है ही नहीं। ये देखो, ये 4 ग्राफ दे रखे ना, इसमें कट ही नहीं कर रहा, बाकियों में कट कर रहा है, तो इसमें ये वाला आंसर है, इसमें कोई जीरो नहीं है क्योंकि ये कट ही नहीं कर रहा, ठीक है। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ पैराबोला। एक और बात, अगर वाई के साथ ऐसे पॉजिटिव दे रखा हो, ऐसे ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, और अगर ये नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप रीड कर लेना, ठीक है, वहां सब कुछ दिया हुआ है ऐसे ही। क्या एक और देखो, एमसीक्यू है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमिन्ड ग्राफिकली इफ द नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल नंबर 1 इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट वाई और एक्स, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन फिर से सुनो, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमिन्ड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल कट, कहाँ कट, एटलीस्ट इसमें ये नहीं दिया हुआ कि पी एक्स है कि पी वाई है, तो x लेके चलेंगे, जब कुछ नहीं दे रखा तो पॉलिनोमियल इन x लेके चलेंगे। तो आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस उतनी आती हैं जितनी जगह पे वो ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, तो आंसर आएगा इंटरसेक्ट x एक्सिस, एज मेनी टाइम्स द ग्राफ कट x एक्सिस, तो x एक्सिस वाली ऑप्शन आएगी। नंबर ऑफ जीरोस उतनी होंगी जितनी जगह पे पॉलिनोमियल इन x ग्राफ x मतलब x एक्सिस पे कट करेगा, मीट करेगा। If the graph of a polynomial doesn't intersect x-axis but intersect y-axis, then the number of zeros of the polynomial is equal to, यहाँ पे ना missing है, polynomial का name दिया होना चाहिए जो नहीं दिया हुआ, तो polynomial suppose करो पी एक्स है, क्योंकि कहता है ग्राफ है जो पी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा लेकिन वाई को कर रहा है, तो बताओ कितनी जीरोज होंगी अगर पी एक्स है polynomial को, जीरो, और वाई होता तो पी वाई तो 1। वैसे ठीक नहीं है, ऐसे दिया होना चाहिए। अच्छा ये देखो इधर, अभी मैंने लीनियर लिखा, लीनियर मींस पावर 1, 1 जीरो आती है, क्वाड्रेटिक मींस पावर 2, मैक्सिमम 2 जीरोस आती है, क्यूबिक मींस पावर 3,
मैक्सिमम थ्री जीरोज आती हैं। अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हो जाए तो कितनी जीरोज आएंगी? एन जीरोज, ठीक है, मतलब दैट इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ना हो तो पी एक्स लेके चलना, ना हो तो पी एक्स लेके चलना, ठीक है, क्योंकि जितने भी पॉलिनोमियल आप देखोगे ना मैक्सिमम वो एक्स के फॉर्म में दिए होते हैं, स्टैंडर्ड जैसे दिए होते हैं वैसे, अब पी एक्स लेके चलना। अच्छा, अगर अल्फा बीटा दो जीरोज हैं तो पॉलिनोमियल कैसा बनेगा, बता सकते हो उसकी इक्वेशन? अल्फा बीटा दो जीरोज हैं, पॉलिनोमियल की कंडीशन कैसे बनाते, एक फॉर्मूला भी तो है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा का सम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये क्या है फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सम ऑफ जीरोज यहाँ पे प्रोडक्ट, मैंने आपको बोला कि अल्फा बीटा इसकी जीरोज हैं तो सम की जगह क्या आएगा और प्रोडक्ट की जगह क्या आएगा, ये बन गई क्वेश्चन। अब एक और सुनो, आंसर ऐसे नहीं दे रखा, आंसर फैक्टर की फॉर्म में दिया होगा, ठीक है, इसके फैक्टर कर दे, फोर टर्म्स होती है तो फैक्टर कैसे करते हैं, एक्स कॉमन, एक्स माइनस एल्फा, एक्स माइनस बी, ये आ गया, ये दिया हुआ आंसर, ये कौन सा फॉर्मूला है बता सकते हो, ये आइडेंटिटी है कौन सी, हाँ, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, सेम है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, ठीक है, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी, फोर्थ आइडेंटिटी है जो आप सेवन्थ एट क्लास में जब फर्स्ट टाइम करते हो वहां आती है, सेम वही है। ब्रैकेट ओपन करके लिखो क्वेश्चन। अच्छा, वो ये मैंने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लिखा है, क्यूबिक का भी है बता सकते हो, सेम ऐसे ही है, हैं? सेम ऐसे ही, ऑल्टरनेट, पहला प्लस माइनस प्लस, उसमें भी सेम है, जब तक फ्रेम खुद नहीं करोगे ना नहीं आएगा, सुन के तो देख के आ ही जाएगा लेकिन अपनी बारी जब आएगी ना तब नहीं आएगा लिखने में, तो कम से कम ट्राई तो किया करो, गलत ही हो जाएगा, वैसे भी तो पेपर में करोगे, रिस्क लोगे ना, तो यही ले लो रिस्क, फिर एक्स क्यूब माइनस क्या आएगा, पहले क्या आएगा, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ये प्लस का, ये माइनस, अगला प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स, नेक्स्ट इज माइनस अल्फा बीटा गामा, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स, अब एक्स बचा ही नहीं, खत्म हो गया, बस ये आ गया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है, ये वाला सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, दो दो का प्रोडक्ट करके उनका सम, और ये क्या है, पांच को दे देना है तो इतनी सारी, तो किसकी निकल रही है शीट, आदित्य सर देख के ना, आवाज बंद करो, लैब में देख के ना, आदित्य सर है, रिवीजन टेस्ट कब है, पढ़ लेना हो सकेगा, किसने बोला है बोलने के, यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है, सर को बोल के आओ कि वो दे के गई है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बोला आप खुद आके दे दो, मैम कह रहे हैं पांच बच्चों को देना है, बोला कल फिल करके लाना है, अभी दे दो अपने आप, किसको देना, हाँ
हाँ जी, 3x³, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखो, 3x³ -5x² +8x -12। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोस। ध्यान नहीं दिया आपने एक चीज का, जो पहली टर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो x³ होती है, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, उसके साथ तो है सबके साथ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को रिमूव करेंगे, ये 3 से सबको, ठीक है, समझ आई? क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें x³ है। ये कल फिल करके ला, क्या है नहीं रीड कर लेना, उठा के बैग में डालो जल्दी से। वो 3 पेजेस ना लूज है, वो अलग रख लेना, ये रख लो सर को साथ ही दे देना इसे। ठीक है, हाँ जी, क्या आएगा आंसर? -4 की +4, +4 आएगा। देखो इधर, अगर इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें क्यूबिक इक्वेशन की, ax³ +bx² +cx +d = 0, ऐसे होती है ना, जो सम होता है वो होता है -b/a, इधर आ जाता है, जो टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ टू, फिर उसका सम जो होता है दैट इज c/a, एक नेगेटिव फिर पॉजिटिव, थर्ड क्या होता है -d/a। तो यहाँ पे इसको जब आप लोगे इसके साथ माइनस भी आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, याद रखना, जो पहले वाला लेते हो दैट इज सम, दैट इज -b/a, फिर लेते हो c/a, फिर लेते हो -d/a, तो यहाँ पे माइनस होता है, इसमें माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x³, लिखो क्वेश्चन, x³ -6x² +8x, x³ -6x² +8x, इसकी 3 जीरोज हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, दीज आर द 3 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड बीटा, बीटा की वैल्यू निकालनी है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपकी बुक में, ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, ए माइनस बी, ए और ए, ए प्लस बी, याद है? वैसे तो नहीं याद होगा, ऐसे ही कह रहे हो, ठीक है, उसमें 3 जीरोस थी, a माइनस बी, ए और a प्लस बी, उसमें भी सेम ऐसे ही फाइंड करना था, a की वैल्यू एक आई थी, एक वेरिएबल की डबल वैल्यू आई, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तीनों का सम क्या होगा, तीनों का सम क्या होगा, -b/a, -b कितना है, -6/1 दैट इज 6, इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल, यहां से क्या आ गया, सॉरी, 3 अल्फा, अल्फा कितना आ गया 2, वहां पर भी ऐसे ही आया था, वहां 1 आया था, ठीक है, क्योंकि वहां पे 3a = 3 आ रहा था, a की वैल्यू 1 आई, यहाँ 2 आ गया। अब क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म है कांस्टेंट वो मिसिंग है, ठीक है, थर्ड टर्म मिसिंग है, ये क्या है, ये डबल वाला है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, ये इसको यूज नहीं करना, ये इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है, थर्ड वाला लेना है डायरेक्ट, थर्ड कौन सा है, तीनों का प्रोडक्ट, ये सिंगल वाला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, जो डबल वाला होता है उसको नहीं लेना, उससे टाइम वेस्ट होएगा, जो लास्ट होता है ना थर्ड, अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों का प्रोडक्ट, वो वाला लेना है आपने। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -d/a, डी तो है ही नहीं, क्या आ जाएगा 0, अल्फा कितना आ रहा है 2,
मल्टीप्लाई करोगे, 4 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। मैंने कहा था ना उसमें भी डबल आंसर आया था, इसमें भी डबल आया, अल्फा 2 आया, बीटा प्लस माइनस 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे डबल ऑप्शन दी हुई है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस 4, तो आंसर क्या है, प्लस माइनस 2। लिखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपने करना है, मैं नहीं करवाऊंगी, अपने आप करोगे आप। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन फाइंड द पॉलीनोमियल, देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल whose zeros are 3 alpha and 3 beta, 3 alpha and 3 beta, alpha beta iski zeros hain, ek new polynomial form karna hai jiski zeros 3 alpha aur 3 beta hai. Polynomial kaise form hota hai, formula pata hai, abhi bataya tha Saharsh, formula bolo जिसकी दो जीरोस होती हैं उसको वाला पॉलिनोमियल बोलो कैसे फॉर्म करते हैं। सम, एस एक्स का मतलब है सम, सम किसका निकालेंगे, 3 अल्फा और 3 बीटा का, अल्फा बीटा तो उसका है ना, वो तो दी हुई है, किसका निकालना है, तो यहाँ से 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा कहाँ से निकालेंगे बोलो दीक्षा, इतना इजी क्वेश्चन और एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, उठा के देख लेना सैंपल पेपर, आपको पता चल जाएगा ये कितनी बार आता है क्वेश्चन। इसकी जीरोस है अल्फा बीटा, यहां से निकाल लो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा क्या होता है सी बाय ए, यहां से निकाल लो इसकी वैल्यू, जो न्यू पॉलीनोमियल फॉर्म करना है उसकी जीरोस ये दे रखी है, इसका सम निकाल लो, सम नहीं निकाल सकते आप क्योंकि वैल्यूज नहीं है, अगर 3 कॉमन ले लो इसकी वैल्यू तो है यहाँ से, यहाँ पुट कर देना, ऐसे इसका प्रोडक्ट निकाल लो, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा क्या आएगा 9 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, इसका सम भी आ जाएगा प्रोडक्ट भी, फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जो यहाँ से आंसर निकालोगे वहां पुट कर देना, करो सॉल्व, कर लिए अंकिता, डन है, बी कहाँ है, अल्फा बीटा ऊपर से निकालो, हाँ उसने तो दिया हुआ है, याद रखना जब ऐसे पॉलीनोमियल दिया होता है फर्स्ट में से वैल्यूज निकालनी है और सेकंड में यूज करनी है, वो दिया किस लिए हुआ, इसलिए तो हुआ है, प्लस 27 अल्फा बीटा इंटू 9, अल्फा बीटा 3 आ रहा होगा, 27 हो जाएगा,